एक्चुअली मैंने रियलाइज किया कि इट्स द सेम टीम, इट्स अमिताभ, इट्स प्रीतम दा, इट्स वरुण, इट्स कृति एंड इट्स सैया. जावेद अली के साथ मेरा पहला डुएट है. मैं तो फैन हूँ उनकी आवाज़ की, इतनी रूहानी शायद हमारे इंडस्ट्री में बहुत कम लोग, इतनी रूहानी आवाज़ है. सैया मेरा एरा गैरा नथू खैरा, सैया मेरा एरा गैरा नथू खैरा. हाई, दिस इज अंतरा मित्रा एंड यू आर वॉचिंग बॉलीवुड हंगामा. We have this brilliant singer Antara Mitra. She's just had a wonderful song Era Gera in Kalank, and we'll talk about that and a lot more. Pleasure having you back, Antara. Thank you so much, Faridun, for having me back on Bollywood Hangama. No, it's our pleasure. It's our honor. And I was just going through your journey so far, and I realized that you've had your fair share of struggle as well. आपने मैगी अगी खा के भी आपने बॉम्बे में आपने अपना वक्त गुजारा है. हाँ, बट आई थिंक दैट मैगी वाली स्टोरी जो है वो बहुत लोगों के साथ सेम है. मैगी, बड़ा पाव, बर्गर इज़ अ वेरी कॉमन स्टोरी विथ एनीबडी जो बाहर के शहर से आके मुंबई में बसना चाह रहे हैं, क्योंकि शुरू में खाना पीना एक ऐसा चीज़ है जो सबसे ज़्यादा हम कम तवज्जो देते हैं उस समय, कि घर मिलना बहुत बड़ी बात हो रही है, या फिर काम मिलना बहुत बड़ी बात हो रही है, या फिर इसे मिलने जाना है, थोड़ा ऑटो के लिए पैसे बचा लेते हैं. तो खाना कम्स द लास्ट इन द प्रायोरिटी लिस्ट, क्योंकि अरे मैगी भी खा लेंगे तो नींद तो आ ही जाएगी, उसमें क्या है. तो वो वाली स्टोरी सब बहुत लोगों के साथ सेम है. पता नहीं, मेरी वाली बहुत सबको पता है, बट दो चीज़ें थी. एक तो ऐसी मजबूरी नहीं है कि मैगी खानी पड़ रही है क्योंकि पैसे नहीं है. मजबूरी ये थी कि जिस पीजी में मैं रहती थी उस पीजी में कुकिंग का साधन नहीं था, तो द ओनली थिंग आई कुड कुक एंड ईट इज़ मैगी. तो इसलिए मैगी, मतलब बड़ी बड़ी पैकेट्स आती थी मैगी की, और वही दो दो वक्त, तीन तीन वक्त वही बनती थी और वही खाते थे. द वे एरा गैरा हैज बीन पिक्चराइज्ड वाज वंडरफुल, एंड टेल अस योर एक्सपीरियंस ऑफ रिकॉर्डिंग द सॉन्ग. एरा गैरा एक्चुअली एक ऐसा गाना है जो मैं दूसरी बार, मैं कृति और वरुण इस पेयरिंग के लिए, दिस इज सेकेंड सॉन्ग. पहला वन वॉज सैया, या एंड मैं एक्चुअली मैंने रियलाइज़ किया कि इट्स द सेम टीम, इट्स अमिताभ, इट्स प्रीतम दा, इट्स वरुण, इट्स कृति एंड इट्स सैया. सैया मेरा एरा गैरा नथू खैरा एंड सैया मेरा देसी टिपिकल सैया. सो आई टोल्ड अमिताभ दैट, अमिताभ वाज लाइक इट्स वियर्ड कि हम सैया पे ही गाने कर रहे हैं कृति के ऊपर. बट यस, आई वाज देयर व्हेन द सॉन्ग वाज इन मेकिंग. दादा के स्टूडियो में आई वाज देयर एंड आई सैंग दिस स्क्रैच, एंड दादा टोल्ड मी दैट क्योंकि थोड़ा पीरियड फील है और उसमें एक बैठक ही माहौल में गाना है, तो थोड़ा ठुमरी कजरी अंग को रखते हुए हम इसको करेंगे, इसको उस हिसाब से इसको ट्रीटमेंट देंगे. तो मैंने इसलिए थोड़ा सा एक आवाज़ ठुमरीश बना के गाने की कोशिश करी है, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. जावेद अली के साथ मेरा पहला डुएट है. मैं तो फ़ैन हूँ उनकी आवाज़ की, इतनी रूहानी शायद हमारे इंडस्ट्री में बहुत कम लोग, इतनी रूहानी आवाज़ है. एंड ही इज़ ब्यूटिफुल. तुषार इज़ अ फ्रेंड, ही ऑल्सो सैंग इन दैट सॉन्ग. ही इज़ अ ब्रिलियंट अपकमिंग सिंगर. वी शुड ऑल एक्चुअली लुक आउट फॉर दिस बॉय. एंड बस अगेन प्रीतम दा एंड धर्मा के लिए मेरा पहला गाना है एक्चुअली. बहुत एक्साइटेड. हाँ, वेरी एक्साइटेड बिकॉज धर्मा म्यूजिक इज ऑलवेज वेरी गुड एंड एनी सॉन्ग विद धर्मा इज अ प्लेजर. सो ऑलराइट, सो कैन वी हियर टू लाइंस फ्रॉम एब्सोल्युटली. बिल्लोरी निगाहों से करे हैं सौ इशारे, खिड़की के नीचे नस पीटा सीट मारे, इश्क में हुआ है थोड़ा अंधा थोड़ा बहरा, सैया मेरा एरा गैरा नथू खैरा, सैया मेरा एरा गैरा नथू खैरा, सैया मेरा एरा गैरा नथू खैरा. वाह वाह, वंडरफुल वंडरफुल.
थैंक यू. ऑब्वियसली आपने क्लासिकल आपने ट्रेनिंग आपने ली हुई है एंड इट्स वेरी एपरेंट जिस तरीके से मुर्कियाँ आपने लगाई हैं. कितना ज़रूरी है क्लासिकल ट्रेनिंग लेना और आपको कितना आप वक्त प्रोवाइड कर पाती हैं इसकी ट्रेनिंग के लिए अपने बिजी शेड्यूल में से? वेरी बैड स्टूडेंट अभी मैं हूँ. मैं सीख नहीं रही हूँ, बहुत अच्छी बात नहीं है ये. बट मैंने हिंदुस्तानी क्लासिकल करीब 8-9 से 11 साल तक सीखा है. मैं इस वक्त नहीं सीख पा रही हूँ, सीख रही नहीं रही हूँ, आलसी हूँ बहुत. बट यस, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक सीखना एक मुझे जितना मौका मिला है, मैं 10 से 11 साल सीखी हूँ और मैं उसमें भी बहुत सीख नहीं पाई हूँ. बहुत चंद राग मुझे गाने आते हैं, बट जितना भी मैंने सीखा है मुझे लगता है वो बहुत लंबे समय के लिए बहुत हेल्प कर जाता है. और जो भी एस्पायरिंग सिंगर्स है वो अगर थोड़ा सा भी हिंदुस्तानी क्लासिकल का ट्रेनिंग अगर रख ले, जिस तरीके का म्यूज़िक इंडिया में होता है उसके लिए बहुत बहुत अच्छा होता है वो ट्रेनिंग. इट्स वेरी गुड. Hi, this is Antara Mitra and you are watching Bollywood Hangama.